मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान दो दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कई साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से मुलाकात की। आध्यात्मिक संस्थान शांति कुंज के मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शांति कुंज दौरे को मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले, शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस दौरे को पूरी तरीके से आध्यात्मिक यात्रा बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्म नगरी से साधु संतों का आशीर्वाद लेकर वो भोपाल जाएंगे और चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए भाजपा से बेहतर कोई नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। मैं आज परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊँगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूंगा। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी माध्यम है, इससे अच्छा दल कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया है, जो काम जन कल्याण के लिए किया है, वो कई बार सपने जैसा लगता है। जो चीज़ लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकती, लेकिन वो सब चीज़ें अब ज़मीन पर साकार हो रही है।